दबंग बिहार स्टार टीवी, जिसका काम है सही और सत्य खबर दिखाना, खेल जगत हो या पॉलिटिकल ग्राउंड या फिर कोई भी समस्या हो, गांव-गांव की खबर हम बताते हैं, शहर की खबरें बताते हैं। सीतामढ़ी जिला में कब क्यों क्या हुआ, आइए जानते हैं इस वक्त की अहम खबरें। मीडिया चले गांव की ओर। इस वक्त सीतामढ़ी जिला के सुरसंड प्रखंड के रधाव पंचायत में कई वार्ड का सर्वे किया हमारे संवाददाता मोहम्मद महफूज उर्फ मुन्ना जी ने। टंकी हर वार्ड में लगा हुआ दिख तो रहा है, लेकिन आप जब ग्रामीण से बातचीत की हमारे संवाददाता ने, तो पता चला पाइप ही नहीं है कहीं पर, और पानी का तो नामो निशान नहीं है। दरअसल ऐसा नहीं है कि पंचायत के जनप्रतिनिधि द्वारा ही इस तरह से अधूरा छोड़ा गया है और सरकार के पैसे का दुरुपयोग किया गया है। बिहार सरकार के कई सारे ऐसे अफसर हैं जो इस भ्रष्ट काम में पूरी तरीके से लिप्त हैं। आपको बता दें कि ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी, खास तौर पर पंचायत के जो ग्राम सेवक होते हैं, उनकी मिली जुली जो है भ्रष्ट मानसिकता की वजह से ग्रामीणों को सरकार द्वारा दिया गया पैसे का दुरुपयोग होता है। हमारे संवाददाता आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है कि टंकी तो लगा हुआ दिख रहा है, लेकिन सरकार की योजना नल जल जो ये योजना है, सरकार इसके द्वारा हर घर में पानी पहुंचाना चाह रही थी ताकि ग्रामीणों को असुविधा ना हो पानी के लिए, लेकिन सरकार के ही भ्रष्ट अफसर की वजह से ये सरकार की योजना फेल होती कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। हम आपको ले चलते हैं सीधा जहां पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सरकार के पैसे का दुरुपयोग किया गया है और उससे जनता को कोई फ़ायदा और कोई लाभ नहीं है। हालांकि जनता से जब बात हुई तो ग्रामीण ने कहा कि इसकी जगह बहुत बेहतर होता, सरकार द्वारा चापाकल हर एरिया में दिया जाता। अब लाइव सुनिए। दबंग बिहार स्टार टीवी से रिपोर्टर मोहम्मद महफूज उर्फ मुन्ना। इस वक्त हम ये रधाव पंचायत और सुरसन प्रखंड रधाव पंचायत रधाव गांव में है, जो 6 नंबर जो यहाँ देख रहे, 6 नंबर वार्ड जो है, यहाँ जो हम देख रहे 6 नंबर वार्ड में एक नल जल है, जो नल जल है बिहार सरकार का ये योजना है। और यहाँ जो हम आए हैं अपने चैनल के माध्यम से दिखलाने, यहाँ पानी है कि नहीं है, नल में पानी है कि नहीं है, नल लगा लेकिन पानी नहीं मिला जनता को। तो चलते हैं, यहाँ पे कुछ ग्रामीण है, ग्रामीण से हम बात करते हैं कि ये कब से बंद है और कितना दिन से बंद है और यहाँ पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जरा हम पूछते हैं। देख रहे हैं खाली लूट खसोट का ये लगा दिए हुए हैं, ये 2 महीना 4 महीना रहेंगे, फिर उसके बाद ये लोहा लोखन ये पाइप ये टंकी ये सब भंगार में बेच के यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, वार्ड सदस्य है, जो यहाँ जीते हुए कैंडिडेट है, ये सब खा जाएंगे। तो चलते हैं जरा चाची से हम बात करते हैं कि पानी यहाँ मिलता है कि नहीं मिलता है। हाँ चाची, आपका क्या नाम है? शिव कुमारी। नंबर वार्ड है भाई? 6 नंबर वार्ड है। तो 6 नंबर वार्ड में जो हम देखे छी नल जल लागल है, बिहार सरकार गवर्नमेंट के माध्यम से योजना है, जो इन नल जल पे हमको अंदाज है कि 15 लाख से लेके और ये 26-27 लाख के माध्यम तक है। तो ये नल जल तो लग गया, टंकी लग गया, लेकिन पानी आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कभी नहीं मिला, कभी नहीं सर मिला, रधाव में काम हुआ है, नल जल का सब पैसा खा गया। तो आप यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, वार्ड है, जैसे जो जीते जिसके माध्यम से ये नल जल लगा, उनसे आप मुलाकात किए कि नहीं किए? कोई हमको सबको सुनवाई नहीं। तो हमारे एक भाई साहब है, जरा हम इनसे भी बात करते हैं। हाँ भाई साहब, आपका क्या नाम है? रतन कुमार तिवारी। तो ये 6 नंबर में जो हम नल जल देखे और अपने चैनल के माध्यम से हम अच्छा बुरा सब दिखलाते, कई स्कूल में गए, कई आंगनबाड़ी में गए, हर जगह हम दौरा करते हैं। तो सर ये जो नल जल आपके वार्ड में लगा हुआ है,
तो इसमें पानी आपको मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला, झूठ फूस का डुप्लीकेट काम हुआ है। तो देख रहे यहाँ खाली ये पाइप लगा हुआ है, लेकिन नल उल तो यहाँ हमको दिखने को भी नहीं मिल रहा है। नल किधर है? यहाँ जो हम देख रहे हैं एक कीर्तन भवन है, लेकिन यहाँ भी पानी होना चाहिए, यहाँ नल होना चाहिए, लेकिन यहाँ भी नल नहीं है। कहीं पे नल नहीं दिख रहा है, कहीं पे नहीं। दबंग बिहार स्टार टीवी से रिपोर्टर मोहम्मद महफूज उर्फ मुन्ना, इस वक्त हम ये रधाव पंचायत और सुरसन प्रखंड रधाव पंचायत रधाव गांव में है, जो 6 नंबर जो यहाँ देख रहे 6 नंबर वार्ड जो है, यहाँ जो हम देख रहे 6 नंबर वार्ड में एक नल जल है, जो नल जल है बिहार सरकार का ये योजना है। और यहाँ जो हम आए हैं अपने चैनल के माध्यम से दिखलाने, यहाँ पानी है कि नहीं है, नल में पानी है कि नहीं है, नल लगा लेकिन पानी नहीं मिला जनता को। तो चलते हैं, यहाँ पे कुछ ग्रामीण है, ग्रामीण से हम बात करते हैं कि ये कब से बंद है और कितना दिन से बंद है और यहाँ पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जरा हम पूछते हैं। देख रहे हैं खाली लूट खसोट का ये लगा दिए हुए हैं, ये 2 महीना 4 महीना रहेंगे, फिर उसके बाद ये लोखन ये पाइप ये टंकी ये सब भंगार में बेच के यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वार्ड सदस्य है जो यहाँ जीते हुए कैंडिडेट है ये सब खा जाएंगे। तो चलते हैं जरा चाची से हम बात करते हैं कि पानी यहाँ मिलता है कि नहीं मिलता है। हाँ चाची, आपका क्या नाम है? शिव कुमारी। नंबर वार्ड है भाई? 6 नंबर वार्ड है। तो 6 नंबर वार्ड में जो हम देखे छी नल जल लागल है, बिहार सरकार गवर्नमेंट के माध्यम से योजना है, जो इन नल जल पे हमको अंदाज है कि 15 लाख से लेके और ये 26-27 लाख के माध्यम तक है। तो ये नल जल तो लग गया, टंकी लग गया, लेकिन पानी आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कभी नहीं मिला, कभी नहीं सर मिला, रधाव में काम हुआ है, नल जल का सब पैसा खा गया। तो आप यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वार्ड है जैसे जो जीते जिसके माध्यम से ये नल जल लगा, उनसे आप मुलाकात किए कि नहीं किए? कोई हमको सबको सुनवाई नहीं। तो हमारे एक भाई साहब है, जरा हम इनसे भी बात करते हैं। हाँ भाई साहब, आपका क्या नाम है? रतन कुमार तिवारी। तो ये 6 नंबर में जो हम नल जल देखे और अपने चैनल के माध्यम से हम अच्छा बुरा सब दिखलाते, कई स्कूल में गए, कई आंगनबाड़ी में गए, हर जगह हम दौरा करते हैं। तो सर ये जो नल जल आपके वार्ड में लगा हुआ है, तो इसमें पानी आपको मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला, झूठ फूस का डुप्लीकेट काम हुआ है। तो देख रहे यहाँ खाली ये पाइप लगा हुआ है, लेकिन नल उल तो यहाँ हमको दिखने को भी नहीं मिल रहा है। नल किधर है? नहीं मिला। यहाँ जो हम देख रहे हैं एक कीर्तन भवन है, लेकिन यहाँ भी पानी होना चाहिए, यहाँ नल होना चाहिए, लेकिन यहाँ भी नल नहीं है। कहीं पे नल नहीं दिख रहा है, कहीं पे नहीं। हम एक और यहाँ पे जो हरजन है उनसे भी जरा हम बात करते हैं। उनसे भी हम जरा बात करते हैं, जो हरजन टोला है यहाँ, जो हरजन है जरा हम उनसे नल जल के ऊपर बात करते हैं। देख रहे गरीब, ये गरीब है हरजन, ये स्थिति में लोग जी रहे, लेकिन वोट लेने के दिन आते हैं और बोलते ये देंगे वो देंगे। चलते हैं, चाची है जरा उनसे पूछते हैं कि पानी मिलता है कि नहीं मिलता है। हाँ चाची, आपका क्या नाम है? हाँ सिकिलिया। तो नल कहाँ है? नल हमरा दिखाऊ ना, पानी मिला या ना? नल है गारल, पानी नहीं हमरा ढूंढने के करो, पानी नहीं अल्लाह नहीं। अच्छा नल है बे घर में, चलू तो जरा नल खोल के हमरा दिखलाऊ। देखिए ये हरजन है, जो हरजन में सबसे डोम मतलब डोम जात, जो अगर डोम न रहता तो अचरा कचरा ये रधाव पंचायत का क्या पूरे बिहार का नहीं साफ होता, अगर डोम न रहता। देखिए ये पाइप है, ये पाइप है, देखिए कौन स्थिति में है, ये पाइप टूटा हुआ है, देखिए सब मजबूरी में सब तोड़ तार के फेंक दिए। तो चाची आप पाइप काहे तोड़ दिए? हम तोड़ लिए,
अभी जे है अब अबे छे जाए छे ना चालू ही ना कुछ ही होता सब कहे छे पाइप लेके होती कहती जी जी कुछ ना होते। जब ये बता भू जब पानी चलती तो पाइप तोड़ला से कोई फायदा है तो पानी कभी कभी ना मतलब टंकी खड़ा होल पानी ना मिले उसी दिन से तनका नहाऊ लागे जे पानी चालू खो से ना होई छे मोटर उटर सब बैठा ले चालू खोबे ना करे छे तो बताओ पानी चलता है तब तक हम अति पानी तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है जो देख रेख करते हैं तो उनसे आप बात किए कि नहीं किए जाके मिले कि नहीं मिले यहाँ के जो वार्ड मेंबर थे पहले उससे बात किए कि नहीं किए वार्ड है नंबर है वो अधिकान में तेल धरकर सुता हुआ है वो अच्छा। कहता है जी आप दूसरा वार्ड है तो दूसरा से आप करवा सकते हो तो हम कहे वो आप अति आप वार्ड है तो आप अति पहले क्यों नहीं चालू किए